दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा हल्का बल्लुवाना में कांग्रेसी उम्मीदवार राजेंद्र कौर को लोगों से बढ़िया समर्थन मिल रहा है। शनिवार को गांव खाटवा में चौधरी कृष्ण न्योल द्वारा राजेंद्र कौर के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। यहां जैसलमेर के विधायक रूपाराम मेघवाल विशेष रूप से मौजूद थे। जनसमूह को संबोधित करते हुए कृष्ण न्योल ने राजेंद्र कौर को गाँव की समस्याओं से अवगत करवाते हुए गाँव के स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की, क्योंकि गाँव की सैकड़ों छात्राओं को दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बेशक सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार की राशि बैंकों में आती है और बैंक में पैसा निकालने के लिए यहाँ पर कोई बैंक नहीं है। इसके अलावा गांव में कोई बस रूट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नई बस सेवा शुरू करवाई जाए। न्योल ने कहा कि सरकार ने डिस्पेंसरियों की सुविधा तो शुरू कर दी, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, जिस कारण गरीब गाँव वासियों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है। सभी मांगों को सुनने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र कौर ने कहा कि विधायक बनते ही उनकी मांगों को पहल के आधार पर हल किया जाएगा। अंत में कृष्ण न्योल के साथ उनके परिवार से चौधरी जनकराय न्योल, पूर्व सरपंच चौधरी महावीर न्योल, संदीप चौधरी, सुरेंद्र पाल सिंह ने राजेंद्र कौर का गांव पहुंचने पर आभार व्यक्त किया और उपस्थित लोगों से राजेंद्र कौर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सर, टिकटी लोगों ने समर्थन नाल मिली है, उन्होंने प्यार सत्कार नाल, क्योंकि सर्वे मुताबिक मिली है, तो मैं धन्यवादी हाँ सारे बल्लुवाना हल्के का, जाखड़ फैमिली का और हाई कमांड दिल्ली का, जिन्होंने मैं एक गरीब घर की कुछ साधारण लड़की वर्कर एक टिकट दे के सम्मानित किया है, उन्होंने सब की मैं बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार जिहड़े कि MLA सीगे नथू राम जी, उन्होंने लैके एंटी इनकमबेंसी है, तुसी ओ स्थिति नू किवें काबू करो? उन्हां 15 साल तो जो मैं वर्क कर रही हाँ ना लोगों के, इस करके मेरे नाल उवें तालमेल है और लोगों को विश्वास है कि मैडम साडे नाल 15 साल चले है, तो अगे तो इस तरह की जिहड़ी कमी नहीं आऊगी। पानी की बहुत वड्डी समस्या है जिहड़ी अपने पिंड, खास करके बल्लुवाना हल्के काफ़ी पिंडां दे विच, जिहदे करके कैंसर और पीले वर्गी बीमारियां 15 साल तो ही, मतलब जो डिग्गी की रिपेयरिंग हैगी है, वाटर वर्कस के पानी की घाट है, इतने बस सर्विस एना सीत वाली बैल्ट के घट है, जिवें अज उन्होंने खाटवां पिंड की भी दसी है, डिस्पेंसरियां विच कितना कितने डॉक्टर की और दवाई की जिहड़ी आपां जरूरत है वो घट हैगी है। इस तरह की मेन समस्यावां हैगियां। स्कूलों का तो आप बहुत विकास हो नहीं कह सकते, पर आ मेन मेजर जिहड़ी समस्या मैंने लोगों की रहिंदियां है भी बस सर्विस की मेन और दवाइया की और पानी की। नहीं, पिछले सरकारों बारे तो आप नहीं कह सकते जी, पर हूँ 5 साल जो सरकार कांग्रेस की रही है काफ़ी डिवेलपमेंट हुई है, बहुत सारे सुधार भी हुए हैं, डिग्गिया प्रोजेक्ट भी मेरे ख्याल से पत्र वाले कितने बन रहे हो भी जो पानी का सुधार किया जा सके, छेती उनका हल हो जूगा, क्योंकि रामसरा माइना नहर भी देखो हमने रिपेयर होनी शुरू हुई है, वो कंप्लीट हो जूगी। काफ़ी सारे 5 साल कम हुए हैं और जो कोई माडल देखो सारे तो नहीं होंगे, 70% हुए हैं, 30% जो रह गए वो सरकार रिपीट हो जा रही है, वो भी कवर हो जाएगी। मैं हमेशा तो अर्जुन ने जिवें मच्छी के अख दे निशाना रखे से ना, मैं उसनों लैके चली हूँ। 2017 जो मेरे सीमर पैनल के नाम, उस तो बाद टिकट कट्टी गई, मैं सोचा भी एक साल च पैनल च आ सकती हाँ, अगे 5 साल मैं वर्क किया और मेरा ध्यान सिर्फ अपनी उन्दे हैगा, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, सब का साथ मिल रहा है, कांग्रेस साड़ी खास करके 99% मेरे नाल खड़ी है, तो बाकी कोई की करते मैं कदे सोचा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी गल करती बल्लुवाना हल्के तो मैं पूरा साथ मिल रहा, पूरा सहयोग मिल रहा, जिमें सर्वे के मुताबिक इन्होंने मेरा नाम रख्या, टिकट भी मैंने इन्होंने करके मिली है, इन्हों का प्यार सत्कार मिल रहा, बल्लुवाना हल्के तो असं अगे जा रहे हैं, मैं बाकी की कर रहे हैं मैं कदे सोचा भी नहीं उस बारे। हल्के तो मैं जी 60 के करीब पिंड कवर कर ले, 2 दिन बाकी साढ़े कवर हो जाएंगे, पहला जो सा राउंड है, उस तो बाद असी विचार सारे उन्होंने बुला के जिन्हें भी मेन वर्कर ने ऑब्जर्वर ने बूथ के जोड़े से मैनेजमेंट कमेटी के बनाए हैं सबनों असी एक फिर मीटिंग रखा, फिर असी देखा भी कितने साडा किस तरह का रहा, उस बारे असी फिर दोबारा विचार करके नवे सिरों फिर असी पिंड तो जी एक देखो बहुत वड्डी जिवें रैली होंगी है, इन्ना प्यार तुसी आप ही देखे भी इन्ना प्यार सत्कार जो मिल रहा एक पिंड दे विच, बाकी इस तो भी वध कट दिखा रहे हैं और उन्हों का सत्कार मिल रहा, तो मैं नहीं लगता भी सानू किसी तरह की कोई कमी है, सानू किसी पास देखना पवेगा। संदेश यही दूंगी भी सारे नू असी इसे तरह जुड़ के रहिए, अपनी पार्टी जो है बहुत विकास कराए है, वो विकास कामों को प्रमोट करिए, कर असी कांग्रेस का प्रचार करिए, क्योंकि साड़ी पार्टी के कहने बहुत कुछ है, दूजा असी तो ही नहीं गल करते ना, जो अपने को कुछ हो सू दूजे बारे कहने की लड़ नहीं पैंती, साढ़े को इन्ने एक मुद्दे है असं लैके चले हाँ और जो रह गए असी पूरा भी करा सब के सहयोग के नाल, और मैं सब की धनवादी भी हाँ जिन्होंने मैंने इन्ना प्यार मान सत्कार बख्शा। मैंने जो देखा है, मैं जैसे पहले अपन बल्लुवाना की बात करें तो मैं लगभग पूरे गाँव के अंदर, यहाँ कोई अर्बन टाउन है नहीं, सभी गाँव हैं,
मैं सभी गांव में लगभग गया और सभी बस्तियों में भी गया। तो यहाँ जो बीजेपी और अकाली दल है उनका कोई भी माहौल है कि पब्लिक भी आज पूरी समझती है कि पंजाब स्टेट में राज अकाली या बीजेपी का नहीं बनना है। तो लोग आजकल बहुत समझदार हो गए, वो अपना वोट खराब करना नहीं चाहता। कंपटीशन जो बता रहे हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, लेकिन आम आदमी पार्टी का, मैं राजस्थान से हूँ, पिछली बार भी चल रहा था कि आम आदमी पार्टी के 80-100 MLA आ रहे हैं और लास्ट में जो टाइम टाइम फिश होके कितने आए, 18। अखबार भी ये कह रहा था भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब भी आम आदमी के पास न तो कोई मौजूद आदमी है और उस पार्टी को मात्र एक दिल्ली शहर में राज करने का अनुभव है, पूरे इंडिया के अंदर राज करना, ठीक है ना। ये पब्लिक को ध्यान है भाई, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, पूरे जगह राज किया है। छोटी मोटी कोई कांग्रेस के नेताओं से गलती हुई, कांग्रेस की नीतियों में तो गलती है नहीं। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो ये 4 सीटें हैं इसमें 3 तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी, जिसमें बलवाना है, अबोर है, फाजिलका है और जलालाबाद में हम भी मानते हैं भी टक्कर है। मैं 4 जगह जाके है, पूरे हमारी टीम लगी हुई है, हमारे कैंडिडेट हैं वो बहुत ही सोच समझ के तय किए गए हैं। यहाँ के कैंडिडेट हैं वो महिला है, तो महिलाओं के लिए लोग समझते हैं कांग्रेस जो महिलाओं को तवज्जो दे रही है उस ढंग से इनको आगे राज में भी अच्छा हिस्सा मिल सकता है और राज में अच्छे पद पे हो और इनको शक्तियाँ दे तो ये मैडम है जो शक्तियों को अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगी, पब्लिक में बांटेगी और अच्छी स्थिति कांग्रेस में इस जिले में भी और ओवरऑल हम ऑब्जर्वर है जो आपस में पूरे स्टेट में बात करते रहते हैं, कांग्रेस राज बनाने जा रही है। आज सभा बहुत बड़ी है रही जी, जो भाइयों को जिनको इनवाइट किया, गांव वासियों को और सबका भरपूर सहयोग मिला और कांग्रेस पार्टी को कामयाब करने के लिए और जो बलवाना हमारा विधानसभा क्षेत्र है इसमें जो हमारे प्रत्याशी है मैडम राजेंद्र को राजपुरा जी, इनको विजय बनाने के लिए सब कांग्रेसी कार्यकर्ता और वोटर सपोर्टर सब इकट्ठे होके दिन रात मेहनत कर रहे, सब इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए इकट्ठे हुए जी। मांगे हमारे गांव में जी, मेन स्कूल की मांग है, जो 8वीं तक स्कूल है तो उसको हम 10वीं तक कराना चाहते हैं, क्यों जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ से पट्टी सदीक जोड़खेड़ा या अमरपुरा पड़ोसी गांवों में जाती है तो वो उन गरीब बच्चियों को ज़्यादा दिक्कत आती है, बस का वैन का जो ट्रांसपोर्ट का किराया है वो भरना पड़ता है। तो मेन तो स्कूल की बैंक की मांग है जी हमें गाँव में, क्यों जो बैंक है नरेगा की, बुढ़ापा पेंशन, सब जो आते हैं पैसे वो उसमें आते हैं खाते में, तो उसके लिए दूसरे पड़ोसी गाँव में जाना पड़ता है जी। तो मेन तो स्कूल की है जी और दूसरा बैंक की मांग है जी। गाँव वासियों को ये कहना चाहूँगा जी, जिस उत्साह और प्रेम से आज यहाँ आए इसी उत्साह से जोश से आप 20 तारीख तक लगे रहो और 20 तारीख को खूब कांग्रेस पार्टी को अपने मत डलवाएं और जो रिजल्ट आए वो अपने खूब शानदार रिजल्ट आए, एक बार फिर कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनाएं, राजेंद्र कौर मैडम को विजय बनाएं।